अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को मुआलिस टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक में वज़न कैसे कम किया जाए। लेकिन इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई से नई वीडियो फौरन आप तक पहुँचती रहे। मोटापे से तंग अफराद पूरा साल रमज़ान का इंतजार करते हैं कि रोजे रखने से इनका वजन कम हो जाए, और मौजूदा दौर में वजन का बढ़ जाना और मैदा डिस्टर्ब हो जाना तकरीबन हर दूसरे फर्द का मसला है। अब देखना ये कि रमजान में वजन कम कैसे किया जाए, हेल्दी डाइट क्या हो और इस हेल्दी डाइट के साथ कम वजन को कैसे मेंटेन रखा जाए। बहुत से अफराद मालूमात कम होने की बिना पर वजन कम नहीं कर पाते और ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जो मोटापे को और बढ़ाते हैं। नाज़रीन, डाइट प्लान सिर्फ मोटे अफराद के लिए लाजमी नहीं होता, क्योंकि आपका बुनियादी मकसद पतला होना नहीं हेल्दी और फिट रहना होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी जिस्मानी सूटेबिलिटी पर गौर करें कि आपको कम खाना सूट करता है या थोड़े वक्फे के बाद बार बार खाना या एक ही बार पेट भर के खाना। अब बात करते हैं रमजान में कैसे डाइट प्लान तरतीब दिया जाए। सादा पानी में खरबूजा, लीमू, एक खीरा कटर या पुदीना भिगो कर रख दे और सहरी में इसका एक गिलास पी ले। इस तरह पूरा दिन भूख प्यास का एहसास भी नहीं होगा, तबीयत भी ताज़ा रहेगी। और पानी पीने के 5 मिनट बाद जौ का दलिया खाएं, फिर दही में एक चम्मच शहद डालकर खाएं। अगर रोटी की तलब हो तो मूंग की दाल का इस्तेमाल करें। मछली, फ्राइड चिकन और तली हुई चीजों से परहेज करें। 2 गिलास पानी के बाद रोजा बंद करके नमाज पढ़ें और 15 मिनट वॉक करें। व्यूअर्स, अफ्तारी के लिए बेहतरीन डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सुन्नत के मुताबिक खजूर या नमक से रोजा इख्तियार करें, चीनी के बिना सिकंजमीन 1 गिलास पिए, फिर एक बाउल फ्रूट चाट के किसी भी नौयत का फ्रूट खाएं, तली हुई कोई चीज मत खाएं, उबले हुए आलू या चने खा सकते हैं, 2 घंटे के बाद सब्जी या दाल के साथ रोटी खा लें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और रमजान के भरपूर फायदे उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी होगी। सहर और इफ्तार दोनों में पराठा खाने से गुरेज करें। 2 से ज्यादा कप ग्रीन टी मत पिएं। मसनूई के बजाय फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। हाजमा दुरुस्त रखने के लिए अजवाइन और दालचीनी का कहवा या इसे पीस कर खाने में इस्तेमाल करें। लस्सी पिए, दही, अंडे और पनीर का मुनासिब इस्तेमाल करें और चावल बिल्कुल भी ना खाएं। इसी के साथ साथ वॉक करते रहें और रात 8 बजे के बाद खाना मत खाएं, क्योंकि मैदे को रिलैक्स होने का वक्त दें। शुगर का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करें। वजन कम करने के लिए शॉर्टकट्स मत अपनाएं। डाइट रिस्ट्रिक्शन करें मगर डाइट फोबिया भी ना अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। महानामा मॉलेज 1984 से शाये होने वाला तिब्बी होम्योपैथिक जरीदा, जिसमें शामिल होते हैं दिलचस्प मजामीन, होम्योपैथिक अद्वियात की मालूमात और दुनिया भर की जदीद तिब्बी मालूमात। महानामा मॉलेज की सालाना मेंबरशिप हासिल कीजिए और घर बैठे हर महमाना मॉलेज हासिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट कीजिए और मेंबरशिप हासिल करने के लिए राब्ता कीजिए। फेसबुक एड्रेस मॉलेज मैगजीन कराची।